राम राम जी, आप सब कैसे हो? हम तो सांझी बिल्कुल ठीक है और मैं भगवान से ही आशा करूँगी कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। और अभी देखो खाद गेरन की तैयारी हो रही है किन खेतों में, कि भाई खेत हो गया बिल्कुल खाली, या तो राम जी ने बारिश करती थोड़ी, नहीं तो बहुत ही पहले खाद गिर जाते। तो अभी खाद गेरवा वाला आ गया और अब रूड़ी को खाद गेरन लाकर अभी मैं बना लागी चाय, क्यों भाई नवरात्रा कर रखा से माता रानी का, तो भाई मैं तरह तो कुछ खावा पीवा को नहीं, भाई अपनी चाय बना कर पी लिया सा। और आप सब ने भी कर रखा होगा भाई, माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे, हंसी खुशी माता सब ने राजी खुशी भाई अपना घर कमाए रखे, क्यों माता रानी का तो भाई कहीं भी चल लो सभी कितने नवरात्रा हो वैसे भाई बहुत ही अच्छी रौनक हो। वैसे हमारे गांव में तो फिर भी कमी हो सह, शहर में बाजार में तो भाई माता रानी का कीर्तन डेली ऐसा हो रहा है कि भाई मेला लग रहा है माता रानी का, और बहुत ही खुशी दे रही है मेरी माता रानी। और आज ही मैं बनाऊंगी अब करेला, क्यों फ्रूट भी लाया था कि भाई फ्रूट का व्रत कर ले, जैसे भाई हम तो हो गए बीमार तो अपनी सब्जी रोटी खावांगा, बाकी भाई बालकिया सी जो बालकिया ने भी व्रत कर रखा सी, तो जो फ्रूट का करेंगा वह फ्रूट का कर लेंगा, बाकी हम अपनी रोटी का कर लेंगे भाई, दवाई लेवांगा रोटी राटी खा के, तो भाई आगा ने माई कृपा करेगी तो भाई अपना हल्का भी व्रत जरूर जरूर रखांगा माई का। और अभी मैं करेला चीरन लग गई कि आज करेला की सब्जी बनाऊँ उसमें। कल बाजार में गया था तो कल ही खरीद के लेके आया था भाई काकड़ी और करेला थोड़ा ही लेकर आया था, क्यों भाई बड़ा बड़ा जो हम सा दो वह खा लिया से, बाकी करेला ने खाई भी कम से ना, तो करेला से बीमारी कटे से खाना भी चाहिए, पर बालकिया तो कड़ी चीज़ कम अच्छी लागे से, तो बालकिया तो कम ही खावे से, बाकी आपा तो अपने जितने करेला चालेंगे इतने बीच बीच में करेला बनावांगा। आप सब भी भाई करेला बनाइयो, हारी बीमारी बिल्कुल ख़त्म है से, पेट में जो भी भाई कीड़ा से वह कड़ी चीज से ही वैसे बालकन तो भाई मीठो कितनों भी दे दो मीठो ही खावे से। तो अभी मैं अनके नमक लगा दियो, देखो हम सिंधो नमक ही यूज करा सा, बाकी व्रत के माए ना तो वैसे वह तो अपन वैसे भी कर ले भाई, जैसे माता रानी की भाई अपना से बने तो वह करना भी चाहिए, तो भाई अपनो सिंधो नमक अनके लगा कर रख दूंगी, फिर और काम कर खाऊंगी इतने कि जो कड़वाहट से वह निकल जाएगी। एक माँ फिर पानी से धो कर और थोड़ी देर सूखा देंगा तो बढ़िया बन जाएगा, फिर फ्राई कर कर फिर माँ मसालों भाई मिर्च और प्याज लहसुन तो भाई नवरात्रा में खाना रहा, तो अपने जो भी सभी उनका छिलका उतार के अन्य पानी में बिल्कुल साफ धो के, और जब एक बार सूखा कर फिर टमाटर मिर्च धनिया जो भी है काट कर बढ़िया बना देंगा। तो भाई आपसे भी यही कहूँ कि भाई आप भी जितना हो सके इतना करेला खाया करो, क्यों करेला से शुगर हो या फिर कोई भी रोग हो ज़्यादातर कड़ी बीमारी से खत्म है इसे रोग, कड़ी चीज भी खानी चाहिए अपने, करेला डेली 10-5 दिन में एक बार तो बनाना चाहिए। अभी मैं भैंस में प्यान लागी सू पानी, क्योंकि शाम को टाइम से तो इतने वे करेला थोड़ा तैयार हो जाएगा भाई, नमक नमक लगा कर रखी है उन्होंने, और अभी भैंस ने पानी पिया दी उसे, बीच बीच में जो भी भैया अपने काम से वह कर दी उसे ख़त्म, बाकी फिर आराम से करेला चाहिए। देखो हरी भली हरियाली पेड़ पौधा बारिश के पीछे कितना बढ़िया लाग रहा सी, अभी तो 2-3 दिन हो गया कि भाई भगवान ने कृपा बना रखी है कि बारिश थोड़ी ना आ रही, जो खड़े वाला गेहूँ था वह तो गेहूँ भी लामनी आ गया, तो भाई अब हमें फिर लामनी चल जाएगी, फिर सिरसों ने पाड़ने की तैयारी हो जाएगी, जो सिरसों बहुत ही आली हो रही है, तो सिरसों भी पाड़नी से फिर निकलवानी से, अगर राम जी बारिश ना करता तो भाई सिरसों निकल जाती, ठाली हो जाता सिरसों से, तो
ये देखो सारी रूड़ी गेर दी, हरा भरा पेड़ कितना बढ़िया लागे से। बाकी यह बहुत बड़ी रूड़ी थी, बेचारा सवेरा से गेरन लाग रहा था, और अभी तो गेर ही गई या रूड़ी से मारी। अभी मैं जाऊँ सो गई कास में लेकर आऊँ सो। देखो दांसा भी पड़ा से, तबीयत खराब हो गई बीच कमाए, तो भाई अभी गेरन वाला कोई को नहीं। और यह एक माँ सिर्फ नींबो रखी थी कास में, तो ये दांसा उठाकर फिर एक माँ पानी देंगा और खाद देंगा तो कास में बढ़िया हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर जरूर करा करो और अच्छी अच्छी कमेंट करा करो। ये देखो बिल पत्थर कितना मोटा मोटा लाग रहा है। अब थोड़ा दिन में तो वैसे ये पकवा वाला से क्यों ना तोड़ांगा, तो ये पक कर फिर भाई गर्मियाँ माई जूस बनाऊंगा बिल पत्थर को। आपने कहीं ना चाहिए तो वही कमेंट करके बता दियो। अगर आस पास पड़ोस में होगा तो जरूर पहुंचा भी जाऊंगा, क्योंकि बढ़िया रहसे बिल पत्थर को जूस ठंडो रहसे और मैं तरह भी बढ़िया रहसे। और यह से पहले कि घास नहीं तो यह सूख दिए कमाई भी कल पानी देवांगा। ये देखो सिर काट के कितना बढ़िया है रो सूरे। मौसम बीच में खराब हो गए नहीं, अभी तक तो सिर भी निकल जाती और गेहूँ भी सब खा जाता, तो मौसम खराब हो गए जैकी वजह से कि भाई की पड़ गया। और पड़न से जो खड़ा खड़ा था ही सामने खड़ा था ये तो आगा, बाकी मारा ना आया सी अभी तो पड़ गया था मारा तो सारा। अभी मैं कास में काटने लग गई भाई। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा देखियो, कमेंट करके जरूर जरूर बताइए कि भाई वीडियो आप सबने कैसी लगी।